हे गाइस गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं नॉइस प्रो फिटनेस स्मार्ट वॉच का सबसे सब पहले गाइस हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है फिर देखते हैं कैसी है ये वॉच सारी चीजें इस वीडियो में पता करने वाले हैं वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा एंड लेट्स गेट स्टार्ट ऑल राइट गाइज तो यहाँ पे ये है हमारा बॉक्स ऊपर की साइड आप यहाँ पे देखो तो हमें रेनबो कलर्स में लिखा हुआ मिलता है कलर फिट प्रो थ्री नीचे यहाँ नॉइस की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ लिखा है फिटनेस स्मार्ट वॉच बॉक्स पे यहाँ पे देखें तो यहाँ कुछ लिखा है इंडियाज़ मोस्ट प्रॉमिसिंग ब्रांड ओके तो यहाँ बॉक्स में पीछे देखते हैं का तो यहाँ हमें मेन फीचर्स मिलते हैं हमें इस वॉच के अंदर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर करने का फ़ीचर मिलता है वन पॉइंट फाइव इंचज का कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है फाइव ए टी एम तक ये वॉच वाटर प्रूफ है गई तो आप इसको पानी में स्विमिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो स्ट्रेस मॉनिटर मिल जाता है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग और फाइव टू सेवन डेज़ की बैटरी लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो कलर मैंने ऑर्डर किया गया वो है जेट ब्लैक तो ये सारी चीज़ें हमें इस बॉक्स पे देखने को मिल जाती है यहाँ लिखा है लिसन टू द नॉइस विद विदिन ऑर्डर तो ये हमें सिंपल सा ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है जल्दी से यहाँ पर हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो बॉक्स ओपन करते ही गाइस सबसे पहले हमें यहाँ हमारी वॉच देखने को मिल जाती है जिसको मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ हमें सबसे पहले यह वॉच देखने को मिल जाती है इसको रखते हम साइड में तो गाइज़ फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करी जाए तो स्ट्रैप की क्वालिटी हमें यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिल जाता है जो अच्छी क्वालिटी का स्ट्रैप है यहाँ पे आप दूसरे कलर के स्ट्रैप्स भी ऑर्डर कर सकते हो कंपनी की तरफ से खूब सारे कलर्स में स्ट्रैप्स आते हैं तो आप बाकी स्ट्रैप्स भी मंगा सकते हो अपने वॉच के लिए इसको एक बार रखते हैं साइड में पहले हम देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है फिर वापस आएंगे हमारे वॉच के ऊपर तो अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूँ तो इसके नीचे हमें यहाँ पर पे कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है शायद ओके तो इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं ओके okay, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वारंटी कार्ड में देखने को मिल जाता है नॉइस का इसके थ्रू आप अपने वॉच की वारंटी को रजिस्टर कर सकते हो रजिस्टर योर वारंटी ये वारंटी कार्ड हमें देखने को मिल जाता है इसको रखते हैं साइड में और ये इसी वॉच के लिए एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप इस वॉच को कैसे यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर इसके सारी चीज़ें लिखी हुई है इस तो इस मैनुअल को भी हम साइड में रख देते हैं काफ़ी बड़ी सी मैनुअल है इसको भी रखते हैं हम साइड में और लास्ट चीज़ जो हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है वो ये चार्जिंग केबल मिल जाती है गाइस ये यू एस बी टाइप ए टू ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है तो ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल हमें देखने को मिल जाती है इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ यहाँ से तो इसको हमने यहाँ से खोल लिया ओके तो ये हमें ये केबल देखने को मिल जाती है केबल की क्वालिटी भी डिसेंट है गाइस इस और यह आपके वॉच के पीछे यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी ओके तो ये मैग्नेटिक चार्जिंग केबल हमें देखने को मिल जाती है जो कि हम बहुत ही अच्छी बात है मेरे को पर्सनली मैग्नेटिक केबल काफ़ी अच्छी लगती है इसको भी रखते हैं अब साइड में वापस आते हैं गाइस इस हमारे वॉच की तरफ सबसे पहले हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं ओके okay गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉच का डिस्प्ले तो बिल्ड और डिज़ाइन वाइज तो गाइस ये वॉच काफ़ी सुंदर लग रही है देखने में आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम फील होती है हाथ के अंदर और लुक्स वाइज भी डेफिनेटली गाइस ये काफ़ी सुंदर लग रही है हमको एक वन पॉइंट का डिस्प्ले देखने को मिलता है सामने और ये पूरी मेटालिक वॉच है पीछे की साइड यहाँ पे देखो तो हमें चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है और नीचे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग स्ट्रेस लेवल वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो और यहाँ पे हमें एक बटन देखने को मिल जाता है इसको प्रेस करेंगे तो ये वॉच स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे तो यहाँ पे हमें नॉइस का लोगो बना हुआ आ चुका है और ये वॉच स्टार्ट हो चुकी है गाइस तो इसका टच वगैरह भी गाइस काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है तो ये हमें यहाँ पे वॉच देखने को मिलती है गाइस यहाँ पे जो लुक्स वाइज और यूज़ करने के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे हमें डिफरेंट स्पोर्ट मोड्स वग़ैरह मिल जाते हैं ब्लड ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी आपके सारे फ़ीचर्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें इस तरफ तो ये सारी चीज़ हमें वॉच में मिल जाती है और अगर यहाँ पे मैं वॉच फेस चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे हमें डिफरेंट वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं इसको आप ऐप से कनेक्ट करके और दूसरे वॉच फेसेस भी यूज़ कर सकते हो और कस्टम वॉच फ़ेस भी लगा सकते हो तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है ऑल राइट गाइज़ तो अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है वॉच की और सबसे पहली चीज़ गई जो मैं इस वॉच के लिए कहना चाहता हूँ मेरे को गाई इसका डिस्प्ले पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा हमें काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है 1.55 पॉइंट का डिस्प्ले मिलता है जो कि बाकी ब्रांड इस सेगमेंट में प्रोवाइड नहीं करती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा मेरे को टच स्क्रीन डिस्प्ले तो टच काफ़ी अच्छे से काम करता है आप कोई भी कहीं भी इसको यूज़ करो कोई लैक किया कोई प्रॉब्लम नहीं है फिफ्टी ए टी एम तक वाटर प्रूफ है ये वॉच तो आप इसको स्विमिंग वगैरह और उन सारे स्पोर्ट्स मोड जो हमको फोटीन स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं तो आप उसके अंदर स्विमिंग वगैरह रनिंग वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हो हेल्थ ट्रैकिंग वगैरह के सारे ऑप्शन्स मिल जाते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वॉच फेसेस मिल जाते हैं जिसको कुछ वॉच फेसेस हमें वॉच के अंदर मिलते हैं बचे हुए आप इसको ऐप से कनेक्ट कर सकते हो नॉइस का ऐप है तो वहाँ से भी आप अपना सारे एनालिटिक्स वगैरह और डिफरेंट वॉच फेसेस वगैरह अप्लाई कर सकते हो तो ओवरऑल गाइज़ मे को ये वॉच काफ़ी अच्छी लगी अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें ना गाइज़ तो हमको थ्री ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप इसको आउटडोर वगैरह के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो इसका डिस्प्ले मेरे को काफ़ी ब्राइट लगा आउटडोर वगैरह में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो टच अच्छे से काम करता है बैटरी की बात करें तो टू हंड्रेड की यहाँ पर हमें बैटरी मिल जाती है तो कंपनी क्लेम करती है कि अराउंड दस दिन का हमें बैटरी बैकअप मिल जाएगा पर मेरे हिसाब से सात से आठ दिन तक ये वॉच अराउंड आराम से चल जाएगी आप इसमें कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग वगैरह आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल वो सारी चीज़ें इसमें मेजर कर सकते हो तो ओवरऑल वाइज इस प्राइस पॉइंट के अंदर मेरे को ये वॉच काफ़ी अच्छी लगी इस सेगमेंट के अंदर आप लोगों को ये वॉच कैसी लगी लगेगा आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक पूरी देखी तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ टिल देन कीप लविंग कीप शेयरिंग बाय बाय